नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 18 जनवरी 2024 है और आज बात करूंगा साउथ इंडियन बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, जो कि 31 दिसंबर 2023 का Q3 का रिजल्ट्स है। और दोस्तों, ये रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है, कमाल कर दिया साउथ इंडियन बैंक के रिजल्ट्स ने। और दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट डबल हो चुका है, तो ये बहुत ही बेहतरीन गजब का रिजल्ट्स है। तो साउथ इंडियन बैंक का रिजल्ट्स पे सीधे हम पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आज जो 18 जनवरी 2024 को रिजल्ट घोषित हुआ है, उसमें टोटल इनकम बैंक ने शो की है वो 2,636 करोड़ की। और जबकि उससे पिछले साल वाले क्वार्टर्स में, यानी 31/12/2022 वाले में 1,864 करोड़ का था। तो ज़बरदस्त 2,636 करोड़ पर इस समय टोटल इनकम आ चुकी है, ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और यदि इससे पिछले वाले क्वार्टर्स Q2 में 30 सितंबर 2023 की बात करें, तो 2,484 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी और इस समय 2,636 करोड़ की हो रही। तो क्वार्टरली बेसिस पर भी शानदार टोटल इनकम में जंप है और ईयरली बेसिस पर भी शानदार टोटल इनकम में बढ़ोतरी हुई है। ये तो टोटल इनकम की शानदार बढ़ोतरी है। यदि आप इंटरेस्ट अर्न की बात करें, तो टोटल इंटरेस्ट जो अर्निंग आई है इस Q3 में, जो 31/12/2023 का है, इसमें 2,184 करोड़ का, जबकि उसके पिछले साल वाले में इंटरेस्ट अर्न किया था बैंक ने 1,898 करोड़ का। तो ज़बरदस्त इंटरेस्ट अर्न भी हुआ है, यानी कि जो इनका लोन का बिजनेस आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बैंक, उस पे जो इंटरेस्ट की अर्निंग हो रही है, वो दोस्तों ज़बरदस्त है। तो इसमें इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बैंक का जो बिजनेस है वो लगातार अच्छा बढ़ रहा है। इसी संबंध में पूरे इसके इन साउथ इंडियन बैंक का जो हाइलाइट्स हैं, उसको थोड़ा और समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो इस समय Q3 के रिजल्ट्स में सूचनाएं मिली हैं, उसके हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 137.87% की शानदार इंक्रीजिंग दिख रही है और वो इस समय हो गई 483.45 करोड़ की, जबकि उससे पिछले साल वाले में 203.24 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बढ़िया बढ़ोतरी दर्ज हो रही है 137.87% की। अब दोस्तों, सीधे आ जाते हैं नेट प्रॉफिट पर। तो दोस्तों, नेट प्रॉफिट में तो गजब ही हो गया दोस्तों, 197.19% की शानदार जंप निकल करके आई है और इस समय नेट प्रॉफिट हो चुका है 305.36 करोड़ का, जबकि उससे पिछले साल वाले में Q3 में, यानी कि 31 दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर्स में 102.75 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट था और अभी बढ़ करके हो गया 305.36 करोड़ का। तो ज़बरदस्त डबल नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों, प्रॉफिट का और किसी बैंक में प्रॉफिट का डबल होना, ये दोस्तों बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो ज़बरदस्त रिजल्ट कहे जा सकते हैं साउथ इंडियन बैंक के। और थोड़ा इसमें छानबीन पढ़ करते हैं रिजल्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, जो ग्रास NPA इस समय निकल करके आ रहा है, वो दोस्तों 4.74% ही रह गया है, जबकि उसे पिछले वाले पीरियड में, इसी सेम पीरियड में 5.48% था। तो ज़बरदस्त इस समय गिरावट हुई है ग्रास NPA में। और नेट NPA की बात की जाए, तो इस समय काफ़ी अच्छा सुधार दिख रहा है और 1.61% ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रह गया है, जबकि उससे पिछले वाले साल के सेम क्वार्टर्स में 2.74
26% था। तो नेट एनपीए का इस तरह से काफ़ी डाउन होना ये बहुत बड़ी बात है। 1.61% ही केवल नेट एनपीए रह गया है। साथ ही दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इस समय पहुंच चुका है 16.38% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और इससे पिछले साल वाले में बात करेंगे तो मात्र 6.42% था। तो इस समय काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ोतरी इसमें दर्ज हो रही है। और इसी तरह से रिटर्न ऑन एसेट्स ROA की बात करें तो इसमें इस समय 1.07% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिखाई पड़ रहा है, जबकि उसके पिछले वाले में 0.39% ही था। तो ज़बरदस्त रिटर्न्स के मामले में भी इस समय अच्छी बैलेंस शीट कही जा रही है। और दोस्तों प्रोविजन कवरेज रेशियो इस समय बढ़ करके हो चुका है 77.97% अभी Q3 जो 31 दिसंबर 2023 का रहा है, जबकि उससे पिछले साल वाले में प्रोविजन कवरेज रेशियो 74.51% था। तो इस तरह से इस समय 77.97% हो गया है, यानी कि शानदार प्रोविजन कवरेज रेशियो बैंक ने अर्जित किया है। साथ ही और डिटेल्स थोड़ी समझ लेते हैं रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों डिपॉजिट्स इस समय 6,428 करोड़ बढ़ा हुआ है। ये रिटेल डिपॉजिट्स की जो बढ़ोतरी है जो कि इस समय 95,088 करोड़ तक पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि इससे पिछले वाले में 88,660 करोड़ ही था। और इस तरह से NRI डिपॉजिट की भी बात करें तो इसमें 29,236 करोड़ की इस समय हो चुकी है डिपॉजिट्स, जबकि उससे पिछले साल वाले में 27,964%। शानदार ईयरली बेसिस पर इंक्रीज 4.55% की। और सासा की बात की जाए तो इस समय 2.43% की शानदार जंप दिख रही है ईयर आर ईयर बेसिस पर। और इस समय 2.96% पर सासा पहुंच चुका है, जबकि उसे पहले वाले में 2.81% था। तो ये ज़बरदस्त इनके परफॉर्मेंस इस समय साउथ इंडियन बैंक की दिखाई दे रहे हैं। तो रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन हैं और इनको मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में साउथ इंडियन बैंक के शेयर्स में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। किसी प्रकार की कोई भी बैंक के बैलेंस शीट में कमी नहीं दिख रही है। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि आज इसके शेयर्स में क्या दमदारी रही। दोस्तों ये ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ही इसका रिजल्ट आ गया था आज 18 जनवरी 2024 को दोपहर में 12 बजे के करीब, और उसके चलते आज शानदार जंप मारी है शेयर ने। और दोस्तों उछल करके ये 9% पर आज प्लस में बंद हुआ है 30.95 रुपये पर। और दोस्तों आज इसका हाई चला गया 31.95 रुपये पर। दोस्तों यही 31.95 रुपये साउथ इंडियन बैंक का 52 वीक्स हाई भी बन गया। तो इस तरह से 18 जनवरी 2024 को साउथ इंडियन बैंक का 52 वीक्स हाई 31.95 रुपये, और 52 वीक्स लो की बात करें तो 29 मार्च 2023 को 13.75 रुपये पर था। और आज जो इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल करके आई है वो 6,477 करोड़ की। तो जो इस समय शेयर्स में आपको चाल दिखेगी तो वो यदि 52 वीक्स लो और 52 वीक्स हाई को मद्देनज़र रख के आप देखेंगे तो ये 2.5 गुने के आसपास इस समय इसके रिटर्न अभी से हो चुके हैं। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई कोई बैंक तो इस समय
5-6 गुने से ऊपर रिटर्न घोषित कर रहे हैं। तो इसलिए साउथ इंडियन बैंक के शेयर्स में आगे चल करके अभी ज़बरदस्त बढ़ोतरी के उम्मीद है। आप इसका इंट्राडे के चार्ट में देख लेंगे तो रिजल्ट आने के बाद ज़बरदस्त जो उछाल मारी है वो आखिरी तक बनी रही, तो इसका असर आने वाले दिनों में अभी और आपको दिखाई देगा। इसलिए साउथ इंडियन बैंक के शेयर्स को पकड़ने में, ख़रीदने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अभी लोअर स्तर पर इसका शेयर है, वैल्यू भी 30.95 रुपये पर इस समय बंद हुआ है। तो इस समय बटोरने लायक है साउथ इंडियन बैंक, और आगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। तो विचार करिए साउथ इंडियन बैंक के रिजल्ट्स Q3 का जो शानदार रहे हैं उसको सापेक्ष में ध्यान में रखते हुए आप इसके शेयर्स के ख़रीदने में इंटरेस्ट बना सकते हैं। होल्डिंग यदि है तो उसको अभी बचा के रखें, अभी बेचने की गड़बड़ी नहीं है, बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोग साउथ इंडियन बैंक के शेयर से अधिक प्रॉफिट कमाएं और आपकी जो रकम है वो कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ रहेंगी। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।